देखिए छठ का माहौल है, लेकिन इस माहौल में थोड़ा सा कमी है वो कि भारतीय टीम अभी संकट में है। सब लोग कामना कर रहे हैं कि भारतीय टीम विजयी बने। साथ में श्रेया है, श्रेया आज किसको सपोर्ट कर रही हो, भारत या ऑस्ट्रेलिया? ऑब्वियसली मैं भारत को सपोर्ट कर रही हूँ। जीतेगा कौन, कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। अच्छा, कौन करेगा अभी, विराट कोहली खेला, केएल राहुल कौन अच्छा बैटिंग करेगा? केएल राहुल। केएल राहुल, चलिए केएल राहुल पर भरोसा है, लेकिन भरोसा विराट कोहली पे। पलक पलक तो रखेगा भरोसा हम पे है, रोहित विल्सन। रोहित हो गए भाई, सुमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस राहुल, केएल राहुल। केएल राहुल, चलो चलो आ गया, आ गया, आ गया। वाह वाह, सब जगह क्रिकेट प्रेमी सब इधर देखा भी, चलिए वाह वाह, सब आदमी सब घाट पर, घाट से ज़्यादा छठ से ज़्यादा क्रिकेट में लागल, सब आदमी क्रिकेट के पीछे लागल छठ, छठ घाट से ज़्यादा सब आदमी क्रिकेट में, कि बच्चा कि नम्हर आदमी सब बहुत कुछ। एगो देखा दही उधर, उनको दिखा दे उधर, उधर जो बैठे छथुन वहाँ से बैठे छथुन, देखा दही उनको, उनको क्रिकेट देख रहा छथ, वो क्रिकेट देख रहे सब आदमी आज क्रिकेट के सपोर्टर सब इधर इधर देखा है, देख ले, देख ले सब आदमी स्कोर सब देख रहा है। तब की लग रहा है भाई जी, आई के जीतता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली इंडिया। हाय, कहां कहां से, ऑस्ट्रेलिया से आए हो? तब इंडिया से। कहां ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट कर रहे? अरे मैं अभी का मैच देखते हुए तो यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा भाई, भारत जीतेगा। विराट कोहली पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अरे जीतेगा हारेगा उससे क्या है, एक बंदा अकेले थोड़ी कर लेगा। तो केएल राहुल अभी तीन ही विकेट गया है भाई, तीन ही विकेट से तुम कैसे जज कर लिए कि भारतीय टीम हार जाएगा? मेन मेन लोग उड़ गए हैं ना। अच्छा, अरे भाई विराट कोहली है ना मेन, तो विराट कोहली, केएल राहुल है, मिडिल ऑर्डर तो अभी है पूरा, बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा तुम किसको सपोर्ट करो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। इंडिया को ना, कौन अच्छा खेलेगा? इधर देखो कैमरा पे देखो, इधर देखो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, कौन अच्छा खेलेगा ये बताओ। इंडिया। इंडिया, विराट कोहली अच्छा खेलेगा या केएल राहुल? क्या, विराट कोहली अच्छा खेलेगा या केएल राहुल बताओ? केएल राहुल। केएल राहुल के प्रशंसक कुछ ज़्यादा ही है, सब बच्चे से लेके बड़े आदमी सब केएल राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है विराट कोहली पे जो लगातार अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ भी छठ घाट पे सबसे ज़्यादा अभी उत्साह है वो क्रिकेट को लेकर, चाचा भी मैच देख रहे हैं, चाचा मैचे देख रहे हैं, मैच ही देख रहे हैं, क्या लग रहा है भारत जीतेगी? जीतना तो उसी को है। अच्छा क्या लग रहा है अभी जो ये सिचुएशन है, यहाँ से कौन निकालेगा, केएल राहुल या विराट कोहली? अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है, अभी कुछ भी कहना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी होगा ना, लेकिन विराट कोहली पर भरोसा है? स्वाभाविक है, अच्छा खिलाड़ी है, उस पर भरोसा तो है कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और आगे भी करे, बाकी ये आतिशबाजी वर्ल्ड कप जीतने के बाद और बढ़ जाएगी। लोग छठ घाट पर तो हैं, लेकिन उधर दिखा, उधर आकर देखिए लोग साइड साइड में जा जा के क्रिकेट का मजा ले रहे हैं, उधर दिखा, हर उम्र के लोग क्रिकेट में लगे हुए हैं, एकदम साइड में जाके, एकांत में जाके क्रिकेट का मजा। आ गया, आ गया, आ गया। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग फाइनल में बहुत ख़राब स्थिति में है, संकट की घड़ी में है, भारत लगभग अपना 7 विकेट खो चुका है। और देख लिए हम लोग जोगाड़ के साथ यहाँ पे क्रिकेट देख रहे हैं, बाहर में टीवी अंशु भैया के घर पे कर दिया गया है, एकदम बुरा स्थिति में भारत, 213 रन पे 7 विकेट, एकदम विकेट परिस्थिति में सब क्रिकेट प्रेमी नाराज, उदास। भारत इतना मतलब खराब प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में करेगा ये कोई उम्मीद नहीं किया था, हम लोग खुद ये नहीं सोचे थे कि आज भारत का इतना खराब प्रदर्शन होगा। विराट कोहली अच्छा खासा संघर्ष कर रहे थे, मतलब छठ घाट से ये प्रार्थना करके आए कि भारतीय टीम फाइनल में अच्छा परफॉर्म करे, हम लोग फाइनल जीते, और छठ घाट से आते आते ये स्थिति हो गया भाई। आरती की थाल लेके भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के लिए, देखिए प्रार्थना का इस तरीके से आरती की थाली लेके सब खिलाड़ियों का एकदम प्रार्थना का दौर जारी है, चल रहा है एकदम प्रार्थना कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करे। एक और विकेट, फैंस निराश एकदम, ये एकदम निराशा 140 करोड़ देशवासी के ऊपर आपको नजर आएगा। ऐसे ही तस्वीरें, पैट कमिंस का कथन सत्य हुआ, उन्होंने कहा था कि 1,40,000 दर्शकों को साइलेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ 140 करोड़ हम भारतीय साइलेंट हो चुके हैं आज। एकदम हाँ, चुमाव नहीं थे कह दो, 251 के लड्डू चढ़ा, हाँ जीत जा भारत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
लड्डू चढ़ाओ भाई अहिला जी के, जीत जाते भारत अब, भारत जीत जाते 251 के लड्डू अहिला जी के चढ़ा दे भाई। अरे भाई श्यामो माई में चढ़ जाते अरे श्यामो माई में 251 के चढ़ जाते और कथी। अरे वाह वाह जाओ जाओ मारो मारो सूर्या भाई सही भाई रोना नहीं है जीतेंगे जीतेंगे सभी भाई रोना नहीं है जीतेंगे भाई। लास्ट बॉल पे सिराज भाई मार मार सिराज भाई सिराज भाई हाँ एकदम एकदम जीत एकदम जीतना है एकदम जीतना है ये। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का स्कोर खड़ा किया है। बड़ा स्कोर नहीं है लेकिन पिच के मुताबिक ये बहुत बड़ा स्कोर है क्योंकि जिस तरीके का पिच अभी बिहेव किया है भारतीय बल्लेबाजों के साथ ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज के साथ अगर उस तरीके का बिहेव करता है तो बहुत। और आ चुका है दो सलामी बल्लेबाज, पहला गेंद तैयार, पहला गेंद बुमराह लेके तैयार डेविड वार्नर, पहले गेंद यार दो स्लिप के बीच से यार बहुत घटिया फील्ड। दूसरा गेंद पे अरे यार आउटफील्ड तेज हो गए भाई जजू भाई कमाल कर देना हर विकेट पे बम तैयार है एकदम बम हर विकेट पे बम समीर दिखा रहे दम वाइड बॉल खारू सभी भाई बम एकदम बम छोटे बॉल जो लाइट जरो एक सौ 140 करोड़ आई पूरा देख रहा है गिरेगा गिरेगा पूरा एकदम 10 का 10 विकेट गिरेगा जानते मोहम्मद शमी यहां से दो सर अरे समीम ये नहीं करना है समीम भाई ये नहीं करना है बहुत कम स्कोर है एकदम बैठ बैठ इस गेंद पे आगे 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 छोड़ आगे छोड़ आगे छोड़ करना जसप्रीत बुमराह का जो एंगल है वो गेंद को लिखन के क्या बाहर लेके जा रहा है छोड़ना यार क्लियर दिख रहा है अल्ट्रा एज प्रोविजनल डिसीजन इज नॉट आउट
फाइनल मैच तो स्टार्टिंग अच्छा हुआ था, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने जिस तरीके से फिर तीन बल्लेबाज को आउट करने के बाद जो गेंदबाजी की ना, उसके बाद जो मतलब टीम का लगा कि एफर्ट वो एकदम हारने लायक, अभी सिर्फ 11 रन दूर है। सोच रहे थे कि टीम जीतेगी तो पार्टी होगा, लेकिन भाई छठ फीका फीका लग रहा है। आप लोग बताइए किसकी गलती है यहाँ पे, क्योंकि टीम ने उस तरीके से स्कोर बना नहीं और गेंदबाजी इस तरीके से हुई नहीं। तीन विकेट मिलने के बाद हम लोग गिव अप कर दिए, एकदम लग रहा था ऐसे। सब लोग निराश हैं, बच्चा सो भी गया। ओवर कॉन्फिडेंस भाग ले तीन विकेट के बाद, तीन विकेट के बाद ना रिलैक्स मूड में नहीं चल जाए जेना ककरो किसी कह दे स्लिप मोड में अथी के लैपटॉप के तेना चल गए, अटैक करबे नहीं कलकै। उसके बाद स्पिनर के घुसा कर बिना स्लीपर के, वही ना स्पिनर को लिया तुमने, स्लीपर को लिया और फील्डर सबको कह दिया कि तुम बाउंड्री रोको बस। और चार रन के साथ आप विकेट के कोई मायने नहीं, अभी विकेट के कोई मायने नहीं, अभी विकेट के कोई मायने नहीं भाई। 23 हेड के हाथ से जीतने चलैया, फिनिश नहीं कर पाए। और इसे आप देखिए ना, वाह जीत ऑस्ट्रेलिया की जीत, वाह ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व विजेता।